हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन की स्पेशल रेसिपी, काफ़ी शानदार, डिलीशियस और काफ़ी कम टाइम में, कम मेहनत में ही बन जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मटन ले लिया है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद फिर इसमें मैं मैरिनेट करने वाली हूँ। डाल दिया 1 स्पून के करीब हल्दी, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, डाल दी हूँ दही 2 स्पून के करीब, नॉर्मल दही है, साथ में अदरक 1 स्पून, लहसुन 1 स्पून मैंने ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो उसे पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब डाल रही हूँ 2 स्पून के करीब सरसों ऑयल। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हमेशा हाथों से ही मिक्स करें, थोड़ा सा रगड़ रगड़ कर मिक्स करना है। अब अच्छी तरह से मटन जो है, मसाले अच्छी तरह से मटन में कोट हो जाएंगे। और जब अब इसे ढक के 1 घंटा के लिए छोड़ देना है मैरिनेशन के लिए। मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इसमें डाल देती हूँ सरसों ऑयल, क्योंकि मटन बनाने जा रही हूँ तो सरसों ऑयल का ही बनाने से काफ़ी टेस्टी बनता है। 1/2 कप के करीब मैंने डाल दिया, ऑयल गर्म हो चुका है, डाल देती हूँ कुछ चीनी के दाने। जब चीनी लाल हो जाए तो प्याज को इस तरह से बारीक कट करके हाथों से मटन के ऑयल में डाल देना है। 1/2 प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था और 1/2 मैं इसे फ्राई करूँगी। अब इसे एकदम से लाल ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब मैंने एक जार ले लिया है, इसमें 1/2 प्याज मैंने मोटे काट के ले लिया है जार में, साथ ही 8-10 लहसुन और थोड़े से अदरक 1 इंच डाल दिया और इसका पेस्ट एक तैयार कर लेना है। तो प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, अब कुछ खड़े मसाले, कुछ तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी। प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, अब डाल देती हूँ यह पेस्ट प्याज अदरक लहसुन का, और इसे डाल के अच्छी तरह भूनना है। अब इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी मसालों के अकॉर्डिंग, सॉल्ट, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर रोस्टेड। अब मसालों को 2 सेकंड भून लेना है अच्छी तरह से। दो सेकंड भूनने के बाद अब इसमें डाल देती हूँ टमाटर का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह भून लेना है 2 सेकंड। इसे ढक के 2 सेकंड भूनने के बाद कर लेती हूँ, अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इस स्टेज में डाल देती हूँ मटन मैरिनेट किया हुआ। मटन का फ्लेम लो है, अब इसे अच्छी तरह से भूनना है। इसी तरह मैंने मसाले को मिक्स कर लिया और अब ढक्कन से इसे ढक के अच्छी तरह से भूनना है। देती हूँ, ये अच्छी तरह से भून चुके हैं, कलर भी कितना बढ़िया आया है। अच्छी तरह से भून चुका है, अब इस स्टेज में डाल देना है कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, इसके बिना स्पेशल मटन की रेसिपी आप सोच ही नहीं सकते हैं। इसका टेस्ट फ्लेवर को काफी बढ़ा देता है, एकदम से पार्टी शादियों वाली मटन का खुशबू आपको इसमें मिलेगा। और उसमें डाल देती हूँ पानी, नॉर्मल गुनगुना पानी मैंने डाला है। जितना मटन है, मटन डूब जाना चाहिए।
कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी लगा लेना है, जब तक कि अच्छी तरह से मटन पक ना जाए। ठंडी हो गई है, अब कुकर को खोल देती हूँ। ये देखिए शानदार कलर, देखिए सुपर टेस्टी शानदार स्पेशल मटन हमारा तैयार है। अब सबसे आखिर में मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखिए, और होममेड गरम मसाला थोड़ा सा, साथ ही धनिया के लीव्स। लीजिए तैयार है मटन की स्पेशल रेसिपी, शानदार इसका कलर देखिए, काफ़ी टेस्टी डिलीशियस मटन की रेसिपी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।